विपक्ष के प्रदेश में तो मीडिया के माध्यम से आप लोगों के माध्यम से यही जानकारी आती थी कि भाई ये टफ बैटल ग्राउंड है, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कहीं कुछ लगा ही, मुझे तो कोई दूसरी पार्टियों का चुनाव प्रचार भी नहीं लगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर पहले दिन से ही चुनाव में थे और आज भी चुनाव में है और बहुत अच्छा माहौल है। जिस तरह योगी जी ने कानून व्यवस्था का बहुत जबरदस्त एक एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए ऐसा सेट किया है, आज हमारी बहनें हमारी बेटियां अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करती हैं, मैं समझता हूं कि सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव में है। आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है और दोनों लोग जो अगर बात करें तो कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी मिलकर उत्तर प्रदेश से बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी, ऐसा उनका कहना बनता है। ये सपने उन्होंने पहले भी देखे थे, पहले वो कांग्रेस के साथ मिलकर भी लड़े हैं, लोकसभा में बसपा के साथ भी मिलकर लड़े हैं, हर बार वो यही बात कहते हैं, अभी वो मैदान में तो उनका कहना भी यही बनता है, लेकिन रिजल्ट उनको भी पता है, सबके सामने आ जाए। लोग बहुत प्यार करते हैं योगी जी को, मोदी जी को, जिस तरह से देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी ने किया, निश्चित ही योगी जी रिपीट होंगे। 2017 में 71 में से 51 सीट आपने पश्चिम क्षेत्र में मिली थी बीजेपी को, इस बार कितनी आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कितनी उम्मीद है? हम रिपीट करेंगे, जो हमारा पुराना रिकॉर्ड है उसको रिपीट करेंगे और बहुत बड़ा अच्छा होगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आते हैं कल, क्या कार्यक्रम रहेगा विस्तार से बताइएगा, किस तरीके से आप? ऐसा आपकी जानकारी में ही है, ये कार्यक्रम हमारा वर्चुअल है, लगभग 75 जगह पर था, 75 मंडलों के अंदर था, वहाँ स्क्रीन लगाई जानी थी, 5 का हमने अब कम करके, जो बिजनौर विधानसभा के 5 मंडल थे उसका कार्यक्रम क्लब करके यहाँ पे कर दिया, क्योंकि व्यवस्था टेंट सारा सिस्टम पंडाल उसी हिसाब से तय था, इसी ग्राउंड के अंदर आज ही परमिशन आई कि 1/3 आप उसको यूज कर सकते हैं, आज 11 बजे ये जानकारी मिली तो हमने फिर उसको थोड़ा ओपन कर दिया कि जो लोग अब आना चाहते हैं, पहले तो रेस्ट्रिक्टेड हम लोग बुला रहे थे, अब सिर्फ सूचना दी है कि आप जितने लोग कल आ जाएंगे, वैसे हमारा कार्यक्रम ये वर्चुअल ही है क्योंकि इसी में हेलीपैड भी बना है इसी ग्राउंड के अंदर, तो थोड़ा सिक्योरिटी का टाइटनेस रहेगा, तो हम ये जो ये वाला सारा क्षेत्र है इसको पूरा कर लेंगे।